हेलो दोस्तों, खुशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ सेवई। वैसे तो सेवई सभी घर में बनती हैं, बट आज मैं थोड़ा अलग तरीके से सेवई बनाऊंगी। मैं सेवई को आज कोकोनट के साथ बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और इसे आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे इस तरीके से। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें खुशी की किचन से। तो क्या क्या चीजें चाहिए वो देख लेते हैं। सेवई, चीनी, ग्रेट किया हुआ कोकोनट, किशमिश, काजू और 3-4 इलायची, और ये मैंने गार्निशिंग के लिए बादाम रखा है, और ये रिफाइंड ऑयल, आप घी भी ले सकते हैं और दूध। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये बनाना शुरू करते हैं। पहले ऑयल डालेंगे थोड़ा, और तेल गर्म हो गया है, अब इसमें सेवई डालेंगे। सेवई अच्छी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। बराबर चलाते हुए भुने, ये भुनने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, 1 से 2 मिनट। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। सेवई को भूनते टाइम ये ध्यान दें, इसे बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे भुनेंगे। अगर इसे हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो एक साइड से ये कच्ची रह जाएगी और एक साइड से ये जल जाएगी। देखिए मुझे इसी टाइप का सेवई चाहिए। अगर आपको इतना इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए तो आप इसे कम भी भून सकते हैं अपने पसंद से, पर मुझे तो इसी तरह का सेवई भुना हुआ पसंद है। ये दूध में जाएगी तो इसका कलर और भी हल्का हो जाएगा, इसलिए मैं इसे ज़्यादा भूनती हूँ। मेरा सेवई बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसमें दूध मिलाऊंगी। आप इसमें पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालें, फिर इसके बाद डालेंगे। सेवई में उबाल आ चुकी है, इसमें बाकी का और भी दूध मिला देंगे। थोड़ा दूध आप बचा लें, चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतली हो जाती है, इसलिए इसे बाद में थोड़ा डालेंगे दूध। इसे पकाते हुए मतलब चलाते हुए पकाएंगे। इस टाइम इसमें किशमिश डालेंगे और काजू को इसी तरह रफली कूट कर ही लेंगे।
काजू को मैंने कूट लिया है, आप इसी तरह डालें। आप अगर इसे चाहें तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दें, आप हमेशा सेवई को पैन में ही बनाएं। पैन में बनाने से सेवई बिल्कुल रबड़ी की जैसी बनेगी। देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, बिल्कुल रबड़ी की जैसी। अगर इसे और किसी और बर्तन में बनाएंगे तो आपका उतना बढ़िया टेक्सचर नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल रबड़ी की जैसी है। अब इस टाइम हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा, कम है तो कम। चीनी डालने टाइम इसका कलर कितना हल्का हो गया है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा के रखा था कि मैं बाद में मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस टाइम मैं मिलाऊंगी कोकोनट, ग्रेट किया हुआ कोकोनट। इसे लास्ट में मिलाएं, पहले ना मिलाएं। हमेशा ध्यान रखें कि कोकोनट लास्ट में डालें। इसे थोड़ी देर कुक और करेंगे, इसमें थोड़ा दूध और मिला लेते हैं। देखिए इसका कलर फिर से पहले जैसा हो गया। इस टाइम इसमें इलायची डालेंगे, कूट कर आप इलायची डालें और थोड़ी देर इसे चलाकर यार है मेरे सेवई। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें ढक्कन डालकर थोड़ी देर के लिए इसी तरह रखेंगे ताकि मेरा पूरा इलायची का फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाए और उसके बाद इसे ठंडा या गर्म सर्व करें। तो फ्रेंड्स तैयार है मेरी सेवई विद कोकोनट रेसिपी। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए और मैं और भी अच्छी अच्छी डिशेस आपके साथ शेयर करूं। और आप एक बार बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी बनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।